हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के बारे में बात करेंगे। अभी कहोगे सर 2022 की वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम तो 3 में होना है ना, इसलिए मैं बार बार 2023 लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में जो जनवरी में देखेंगे या फरवरी में देखेंगे उनके ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ओके ना। अब इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पोस्ट वाइज आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स लाने चाहिए, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, और मतलब आप जो भी समझ रहे हो ना यहाँ पे, बस वही उसी टॉपिक पर ये वीडियो बना रही है, ठीक है। वीडियो बनाने का पर्पस वही है जो आप समझ रहे हो, जिसके लिए आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है वीडियो को। हम लोग एटलीस्ट, बहुत सारे लोग तो इसलिए आए होंगे ना कि एटलीस्ट कोई भी पोस्ट मिल जाए वो बता दो सर जी, उतना नंबर हम लोग लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में बात करने वाले, थोड़ा आराम से, बिल्कुल भी परेशान होकर नहीं। बट उससे पहले ना एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में तो जितने भी बच्चे ना एकदम सिंसियर होकर तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, तो हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी गाइड बुक है, जहाँ से आप पढ़ के, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ के अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। क्यों बढ़िया है ये बुक मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो बुक है ना, अभी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, पहली बात तो ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है ये बुक, और साथ में इसको ना चैप्टर वाइज आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अगर बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे होंगे ना कि सर चैप्टर वाइज बोले तो कैसे, मैं वो सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मैंने पहले भी कहा था कि सब कुछ मिल जाएगा, सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे, करंट अफेयर मिल जाएंगे, और साथ में रीजनिंग जो है ना पूरा चैप्टर वाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसका आंसर और साथ में सॉल्यूशन, दिख रहा है, पूरा रीजनिंग का पूरा मिल जाएगा। जिसका जिसका बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह मिल जाएगा आपको, सामान्य विज्ञान मिल जाएगा, और ये जो है ना मैथमेटिक्स भी पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा, जितना भी एसएससी जीडी का क्या है सिलेबस है पूरा चीज़ मिल जाएगा आपको। साथ ही में इंग्लिश ग्रामर की भी अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, इसके अंदर हर कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हिंदी से अगर हो तो आपको हिंदी भी मिल जाएगा, साथ ही में क्वेश्चंस देख सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चंस है ऐसे, तो आपको क्वेश्चन के साथ आंसर की और उसके सॉल्यूशंस में मिल ही जाने इसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। आंसर की के नीचे आपको एक्सप्लेन कर रखा गया है पूरा बढ़िया से, जाके आप चेकआउट जरूर कर लेना। आप ही हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आखिर, चलो सर जी पोस्ट वाइज बताओ, कुछ पोस्ट देखो इतना है, ठीक है, आप पोस्ट देख लो इतना है, और कितना कितना देखो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना किस किस पोस्ट को पहले भरे, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगा एक नई वीडियो के अंदर कल। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप मतलब करने के बारे में सोच रहे हो और आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से फिल करना है, क्या क्या करें और किस तरीके से मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर, सलेक्शन किस तरीके से होता है, सब कुछ मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो। सुनो, बट इसके पहले मैं बताऊंगा ना, सीट बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। देखो सीट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्लियर है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि सीट मैटर करता है। अभी देखो यहाँ पे हमारे फॉर्म अप्लाई करने वाले में तीन टाइप के बच्चे होते हैं। पहले वो जिनको ना किस चीज़ में वैकेंसी कितनी है, मतलब फॉर्म फिलअप करने वाले में वो किस चीज़ में वैकेंसी कितनी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, उनको कौन सा पोस्ट चाहिए वो पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस भर देते हैं। दूसरे टाइप का बच्चा वो होता है ना जिसको प्रेफरेंस से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है, जिसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है वो भर देते हैं। तीसरा टाइप का वो बच्चा होता है जिसको कुछ किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब सब कुछ भर दिया आँख बंद करके, मिला तो मिला नहीं तो फिर से कल तैयारी करेंगे। तीन टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है, कि चलो देखते हैं होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तीसरा टाइप का वो होता है। तो मैंने बता दिया आपको, तो यहाँ पर बताऊँ ना कि सबसे पहला बच्चा वो होता है जो पोस्ट प्रेफरेंस देता है, मतलब अगर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अगर जस्ट आप ले लो, अगर अपने से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि मैं एनसीबी का कट ऑफ नहीं पार कर पाऊंगा, एसएसएफ का नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे इन्हीं सब में अगर देखना है, अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो सोच रहे ना कि मुझे CISF चाहिए। अब हर कोई सोचता है, अगर SSF NCB के बाद कुछ सोचता है तो लोग CISF ही सोचते हैं, ऑब्वियसली जो एक्चुअल बात है मैं बता रहा हूँ आपको, CISF ही सोचते हैं। जैसे कि अब आसाम राइफल मिल जाए तो मजबूरी है तो जाते हैं लोग, नहीं भी जाते हैं। हमारे एरिया के बच्चे जो है ना जनरली उतनी दूर नहीं जाना पसंद करते हैं वो लोग, क्योंकि आसाम राइफल में ऑलमोस्ट आपको आसाम में ही रखने के लिए मिलता है, तो फिर वो लोग जाना प्रेफर नहीं करते। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करता है, कट ऑफ तैयार होने के पीछे मैटर होता है क्या क्या, कि देखो पहले की किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, उस पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखा है। जैसे देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि अगर किसी ने डाल रखा है, सुनो SSF, ठीक है, NCB, खैर NCB पहले लोग डाल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा, SSF, इसके बाद डाल दे रहे होंगे CISF, ठीक है, अगर ऐसा डाल रहे होंगे वो लोग, फिर अपना जो भी डाल दो इधर ITBP, SSB, BSF, CRPF, ये सब अगर ऐसे डाल रहे हैं बच्चे ऑब्वियसली। तो देखो यहाँ पे मैटर करता है ना कि अगर सुनो 40% बच्चों ने ऐसे डाल दिया,
फिर आपका जो है मान लेते हैं 40% बच्चों ने क्या डाल दिया, पहले सीआईएसएफ वगैरह ये सभी चीजें डाल दिया, उनको एनसीबीसी एसएसएफ पता ही नहीं है कुछ, अब उनको लग रहा है सीआईएसएफ सुना है, सीआईएसएफ सुना है, मारो पहले सीआईएसएफ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके डाल दिया। फिर बाकी के जो 20% बढ़े जैसे मैंने तैसे डाल दिए, तो ये सभी चीजें मैटर करता है ओवरऑल कि किस पोस्ट पे कितने बच्चों का प्रीफरेंस पहले है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर जिस प्रीफरेंस लाइक सीआईएसएफ पहले डाला गया है, सीआरपीएफ बाद में डाला गया है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने अगर सीआईएसएफ के लिए डाला तो कट ऑफ इसी की हाई जाएगी ना ऑब्वियसली। तो मैं ओवरऑल अगर आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होने वाले हैं, तो अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट मैं कहूंगा ना कि अपनी तैयारी के अनुसार करना, तुक्काबाजी नहीं। अगर आपको लग रहा है ना कि आप मोर देन 65 to 70%, मान लो 65 से ज़्यादा और 70% तक भी स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, करेक्ट एकदम एक्यूरेसी आपकी रह रही है, तो भैया नेगेटिव करने से बचना है, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलेगी गारंटेड, ठीक है। अभी तो इस बार आपको देख लो यहाँ पे बीएसएफ मिलने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी, अगर आप 65 तक भी, 65 मैंने बहुत बोल दिया था ना, ठीक है 65 बहुत बोल दिया, अगर 60 तक भी जा रहे हो ना, ठीक है 60 to 65 तक जा रहे हो, तो आपको बीएसएफ मिलने की चांसेस है। अब बोलोगे सर बीएसएफ इतनी ज़्यादा पोस्ट है और उसके लिए आप बोल रहे हो कितना 60 कह रहे हो, सर देखो मैं एक बात कहूँगा, पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार की वैकेंसी से तुलना मत करना, वैकेंसी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, जीडी के लिए वैकेंसीज बहुत कम है, अभी आपका ना सीजीएल है नहीं, ठीक है, कि सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के बच्चे भरेंगे, यहाँ पे जो है ना 10th लेवल का वैकेंसी है, दबा के सारे भरने वाले इसके अंदर, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। और इस बार एसएससी में डे बाई डे ना बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा होते जा रहे हैं, एसएससी के अंदर हार्ड वर्क करने वाले और मतलब इंटेलिजेंट बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ऑब्वियसली कट ऑफ बता रहा है एसएससी की, ठीक है, एसएससी डाल डाल चल रहा है तो बच्चे पात पात चल रहे हैं, एसएससी अपने लेवल अप कर रहा है तो बच्चे उसे भी आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको अगर कोई भी पोस्ट चाहिए तो मैं कहूँगा ना कि एटलीस्ट 60 to 65 ले आओ, 60 तो एटलीस्ट आप नहीं ले आओ, ठीक है 60, क्योंकि वैकेंसी को देखते हुए रॉ स्कोर अपना 60 लाना जरूर, ठीक है ये तो श्योर है, मैं यूआर कैटेगरी को कह रहा हूँ, अगर 60 तक ला रहे हो आप, ठीक है, तो आप 60 काउंट कर लो, आपका कितना परसेंट बढ़ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, परसेंट भी थोड़ा मैटर करता है यहाँ, ठीक है, मैं आपके आँख के सामने सब कुछ दिखा दूंगा, ये हो जाएगा 4 × 8, ये 25, ये हो जाएगा 75%, ठीक है, तो 75% तो एटलीस्ट चाहिए ना। मैं ये कहूँगा कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा नहीं है 70% भी लाएंगे, तो रेयर रेयर कंडीशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, मैं 50-50 वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ कि हाँ बॉर्डर वाले फिर रहोगे आप 50% चांस होगा 70% स्कोर करके, तो वैसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ कभी कभार होता है 2-4 नंबर कम भी कट ऑफ जाता है, बट रियलिटी यही है ना कि इस पर कंपटीशन थोड़ा बढ़ने वाला है एसएससी जीडी के अंदर, तो उसके लिए एटलीस्ट आप 60 स्कोर तो करो, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ अगर वहीं पर मार्क्स के बारे में कहें तो 120 के बारे में, दो नंबर का है तो 120 तक आपको जाना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे सर 55 भी जाएगा, तो इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ, मैं एससी एसटी कैटेगरी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ओबीसी या फिर किसी टाइप के आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली जो सबको मैं काउंट कर रहा हूँ, जब मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना तो मैं एससी को भी बोल रहा हूँ, एसटी को भी बोल रहा हूँ और ओबीसी को भी बोल रहा हूँ और ये यूआर को भी बोल रहा हूँ, मैं कैटेगरी वाइज बोल नहीं रहा कि आप एससी हो आप, मैं तो बोलूँगा कि ईडब्ल्यूएस पढ़ो ही मत, आपको तो इसी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बात थोड़ी हुआ ऐसा नहीं होता ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और खास करके जो बच्चे ना, अरे देखो यहाँ पे आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, अगर आप पैसा सेफ और एनसीबी लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको रॉक करना पड़ेगा, तो इसमें मतलब एसएसएफ और एनसीबी के लिए तो आपको ऑब्वियसली गई 75 से 80 या मतलब 75 और 80 के बीच में आपका सही होना चाहिए, ठीक है। बोलोगे सर मजाक मत करो 80 नंबर का पेपर है, आप 75 पहुंचा रहे हो, आपको क्या लगता है एसएससी जीडी इतना डिफिकल्ट थोड़े एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो 78, 79, even 80 में 80 मतलब सही करेंगे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी मैं जितने क्वेश्चन कह रहा हूँ इतना अटेम्प्ट करना पड़ेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं ना कि पूरा का पूरा दबाए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा भैया, इसमें कोई डाउट मत रखना इस बार, इस बार जो सोच रहे हो ना कि चलो लाइटली ले चलते हैं वैसा काम नहीं, तो आपको ना अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन दो पोस्ट पे फाइट करना चाहते हो, देख सकते हो सीट जिसकी है ना के बराबर है, तो ऑलमोस्ट समझ लो कि आपको मैक्स मैक्स स्कोर कर लो, इसका कट ऑफ कर पाना मुश्किल है, बट मैं कहूँगा कि फुल में फुल स्कोर करने की कोशिश करो, अगर इन दोनों पोस्ट के बारे में सोच भी रहे हो, सपना भी देख रहे हो, तो अदरवाइज सीआईएसएफ वगैरह सोच रहे हो तो सीआईएसएफ भी किसी से कम नहीं है भैया, इस बार सीआईएसएफ की कट ऑफ भी ना मैं कह रहा हूँ ना 75+ 75 के अराउंड ही जाएगी, आप देख लेना, ठीक है 75 से कम नहीं जाने वाली, क्यों, क्योंकि इसकी सीट बता रही है, रुला देगी सीट, देख ले इस बार ना मैं बता रहा हूँ आपको, सीआईएसएफ की कट ऑफ जो आप सोच रहे होगे ना कि एसएसएफ से ज़्यादा जाएगी, एनसीबी से ज़्यादा जाएगी, तो ऐसी नहीं होगी, ठीक है, रीज़न है
सीट भले कम है सीआईएसएफ की, बट प्रेफरेंस जो भी है ना, ये तीसरे नंबर पे रहने वाला है। जितने भी समझदार बच्चे हैं वो इसको तीसरे नंबर पे ही रखेंगे। तो मैक्सिमम स्कोर वाले तो ऑलरेडी एसएसएफ और एनसीबी लेके चले जाएंगे, तो उसके बाद जो बचा ठीक है वही ना सीआईएसएफ ले जाएगा। तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली इन सबसे डाउन जाएगा, प्रेफरेंस तो पहले ही नहीं कराएगा ना एसएसएफ और एनसीबी का, ऑब्वियसली बात है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि सीआईएसएफ का कट ऑफ ना एनसीबी और एसएसएफ से ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं जाएगा, कम ही जाएगा इन दोनों से। सीट मैटर बहुत ज्यादा नहीं करेगा यहाँ पे, प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जितने भी समझदार लोग हैं वो एसएसएफ और एनसीबी भरेंगे। समझदार कहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हो, मतलब आप समझ रहे हो इस वैकेंसी का मतलब क्या है और ये वैकेंसी किस पोस्ट पे जा रही है। जिसको पता ही नहीं वो तो कुछ भी भर रहा होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं ना बीएसएफ और सीआरपीएफ के, तो ऑब्वियसली अगर हम एनसीबी और एसएसएफ को छोड़ देना, इसमें लास्ट जो पोस्ट रखने वाले अगर हम आसाम के लोगों को छोड़ दें, तो बाकी आसाम राइफल्स को सारे लोग लास्ट में ही रखेंगे जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर आप आसाम राइफल चाहते हो तो इसकी भी सीट अच्छी खासी है, कट ऑफ भी अच्छा खासा जाएगा ठीक है। तो अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए ना, तो यहाँ पे आप अगर चाह रहे हो ना कि एटलीस्ट बीएसएफ सीआरपीएफ भी मिल जाए, तो आप स्कोर करो 60+ करने की कोशिश करो ठीक है। अगर आप 60+ करने की कोशिश करोगे तो फिर आपका सिलेक्शन फिक्स है ठीक है, आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिलेगा। अगर कुछ ऐसा सोच रहा हो कि नहीं 55 पे और 50 पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 60+ कहने का मतलब 60 × 2 120 करो, कुछ नॉर्मलाइज करके मार्क्स बढ़ेंगे, बट मैं रॉ स्कोर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप नॉर्मलाइज करके मत उम्मीद करना 60 ला देंगे हम ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और बाकी आपका जो राय है इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।